हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए जो लेटेस्ट में वैकेंसी निकल कर आई हुई है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। डियर गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप कैसे आवेदन करेंगे, किस तिथि से किस तिथि तक आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो डियर गाइज, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन मशीनिस्ट टर्नर फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन वेल्डर टूल एंड डाई मेकर और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, जो कि 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन यहां पर कर सकते हैं। यहां पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आईटीआई अगर आपके पास है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास यानी एनटीसी है, जिसमें आप 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो मशीनिस्ट टर्नर फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन वेल्डर टूल एंड डाई मेकर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है या इन्हीं ट्रेडों का है, तो केवल यही कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जिन जिन ट्रेड के कैंडिडेट का यहां पर डिटेल दिया गया है उसी के आधार पर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो है एलिजिबल किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस मशीनिस्ट ट्रेड में 5 वर्ष का होगा, और यहाँ पर बोला गया है कि सीएनसी मिलिंग ग्राइंडिंग प्रिसीजन जिग बोरिंग मशीन 2D मशीन सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग वायर कट ईडीएम जॉब्स इन अ लार्ज मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये इससे जो रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका है वो मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार टर्नर के कैंडिडेट और फिटर के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट और वेल्डर के कैंडिडेट, टूल एंड डाई मेकर के कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस आपका मंगाया गया है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि किस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए भी जो एक्सपीरियंस है वो मंगाया गया है। तो अगर आपका अनुभव 5 साल का है, 5 साल से अधिक आप अनुभव रखते हैं, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आवेदन कर जो है आपको ब्लैंक फॉर्मेट में, जो आपका फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है और इस दिए गए एड्रेस पर फॉर्म सेंड कर देना है। यहाँ पर ऐसे आप आवेदन करेंगे। लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है और आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन उस पर लिखना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जा चुकी हैं कि आपका यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होने वाला है, अंतिम तिथि क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो डियर गाइज, अगर आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।